समस्तीपुर के गांधी स्मारक पर वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय योगेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर रामनाथ ठाकुर ने श्रद्धांजलि अर्पित किया एवं तमाम कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। रिपोर्ट गोपाल प्रसाद, SPN जिले की खबरें, समस्तीपुर बिहार। आप देख सकते हैं कि समस्तीपुर के गांधी स्मारक पर स्वर्गीय योगेंद्र पोद्दार की जो है श्रद्धांजलि सभा अर्पित की गई है। उसको लेकर तमाम जो है यहाँ पे वरिष्ठ नेता बनते हैं और हमारे सामने में यहाँ पे रामनाथ ठाकुर जी हैं। हम उनसे बात करेंगे, श्रद्धांजलि सभा को ले लिया। क्या कहना चाहते हैं आप? देख रहे हैं कि श्रद्धांजलि सभा में तमाम जो है लोग मौजूद हुए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पत्रकार योगेंद्र पोद्दार जी के जो है श्रद्धांजलि सभा गांधी स्मारक पर दी जा रही है, उसको लेकर तमाम यहां पर जो लोग आए हैं और भी लोगों से बात करेंगे। श्री रामनाथ ठाकुर से बंटी है। हाँ, आज श्रद्धांजलि सभा में आप मौजूद हुए हैं रामनाथ जी, क्या श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे पोद्दार जी को लेकर? स्वर्गीय योगेंद्र पोद्दार जी मेरे बड़े भाई थे, इनको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया जी, और इनके सानंद में रहकर उन्हें बहुत सीखा समझा और शहर में आए बुद्धिजीवियों लेखकों साहित्यकारों से उनकी जान पहचान हुई और उसी में एक घुल मिल गए और लेखन पर उनकी प्रतिबद्धता बनती रही और साहित्य गोष्ठियों में उनका सर्वोच्च बनता रहा। मैं ऐसे अग्रज भाई को खोकर पूरा शहर समस्तीपुर इलाका शोक से मर्वाहित है। मैं उनके परिवार के लोगों को भगवान उन्हें शक्ति दे उनके चले जाने के बाद धैर्य के लिए साहस के लिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, यही मेरी शुभकामना है श्रद्धांजलि। तो आप समस्तीपुर के गांधी स्मारक जो स्टेशन चौक है वहाँ पे पोद्दार जी की जो है श्रद्धांजलि सभा अर्पित की गई है। तमाम यहाँ पे है और कई नेतागण मौजूद हुए हैं, रामनाथ ठाकुर सहित जो है तमाम जो है इनके करीबी पत्रकारगण मौजूद हुए हैं और सभी ने जो है यहाँ शुभकामनाएँ जो है अर्पित की है। उनकी जो कर्मठता, उनकी जो संघर्षशीलता, उनकी जो शालीनता, उनका जो बुद्धिजीवीपन है, मैं चाहूँगा कि उनके इन सभी कार्यों को आप सभी अपनाने का काम करेंगे और निर्भीक होकर जीने का, निर्भीक होकर बोलने का, निर्भीक होकर किसी भी समस्या का समाधान करने की साहस रखने का हौसला आप सबों को प्रदान हो, यही मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से और संपूर्ण समस्तीपुर जिला की तरफ से, समस्तीपुर शहर की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। रहमान लवली जी, आज की ये जो शोक सभा आयोजित की गई है इसमें उपस्थित हमारे गार्जियन बड़े भाई सांसद श्री रामनाथ ठाकुर जी और ये जो गांधी जी का जो इनके नाम पर जो संगठन चल रहा था पोद्दार जी जिसके सचिव हुआ करते थे उसके अध्यक्ष विकल जी यहाँ मौजूद, राकेश राजी, अमित कुमार मुन्ना जी, भाई बनासी ठाकुर जी, उमा जी और लक्ष्मण जी और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं सबको इससे पहले मैं आदाब करता हूँ। साथियों, के बाद आज ऐसा एहसास हुआ कि एक व्यक्ति के नहीं रह जाने से कितनी बड़ी कमी यहाँ हम लोग महसूस कर रहे हैं।
जो व्यक्ति समय का पाबंद होते थे, और आज हम में से कोई युवा शायद ऐसा नहीं नजर आ रहा है जो इनके जो काम छोड़ के गए हैं उनको हम लोग लेके आगे चले। हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे निर्भीक पत्रकार, समाज सेवी और साहित्यकार संसद और समस्तीपुर जिला में जो साहित्य की जो दुनिया थी उसका एक चिराग बुझ गया है। हम अपने नौजवानों से और यहाँ प्रबुद्ध साथियों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि इनके कामों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब इसकी जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पर है, खास करके विकल जी जो अध्यक्ष हैं। मैं आग्रह करूँगा कि ये कारवां चले, समस्तीपुर में जो एक कमी हो गई है उस कमी को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी अब हम लोगों के कंधे पर है। ऐसे व्यक्ति तो जन्म नहीं लेते जो अपने से परिवार से ज़्यादा समाज के लिए सोचे। कोई भी आयोजन होता था, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, जिस भी किसी तरह का प्रोग्राम होता था, उसमें पोदार जी अपने घर की बिना चिंता किए आके यहाँ पर दरी बिछा के अकेले बैठे रहते थे और हम लोग का इंतजार करते थे। और इस दुख की घड़ी में हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं उनके परिवार के प्रति और इस मंच के सारे साथियों के ऊपर वाला हौसला दे, उनको सदना दे, ये मैं करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात मानी विराम देता हूँ। तो आपने देखा कि समस्तीपुर गांधी स्मारक चौक पर जो है अमित कुमार मुन्ना जी से स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तमाम लोगों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। हम आगे और भी कई नेताएं हैं उनसे बात करेंगे और रामनाथ ठाकुर से बात करेंगे कि वो ये श्रद्धांजलि सभा को लेकर क्या कहना चाहते हैं। SPN चैनल भी श्रद्धांजलि सभा अपनी ओर से अर्पित करता है योगेंद्र पोदार जी के स्वर्गीय पोदार को लेकर। तो देखिए आगे अन्य लोग क्या श्रद्धांजलि सभा में कहते हैं। आयोजन किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह समस्तीपुर के गांधी स्मारक पे योगेंद्र पोदार जी को श्रद्धांजलि सभा अर्पित की जा रही है। तमाम जो है सांसद रामनाथ ठाकुर जी जो हैं यहाँ मौजूद हुए हैं और तमाम जो लोग हैं श्रद्धांजलि सभा पे मौजूद हैं। हम आपको वो तस्वीर समस्तीपुर से दिखा रहे हैं जहाँ समस्तीपुर के गांधी स्मारक पे जो है योगेंद्र पोदार जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तमाम जो है नेतागण मौजूद हुए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए कि किस तरह आज की श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष श्रद्धांजलि सभा को अर्पित की जा रही है। राम नारायण जी, गोपाल प्रसाद, SPN न्यूज़, जिले की समस्तीपुर, बिहार।